नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। यदि आपके घर में है कोई समस्या या कोई रोगी तो कलवा के धागे में 7 गांठ बांधकर हनुमान जी के चरणों में रखकर सिंदूर लगाकर अपनी तिजोरी में रख देने से सभी अशांति एवं रोग समाप्त हो जाते हैं। इस विषय पर विशेष रूप से जानते हैं झांसी महानगर के परम विद्वान आचार्य राजेंद्र त्रिवेदी शास्त्री झांसी वालों के साथ। ओम हं हनुमते नमः। ओम सकल तत्व स्वरूपाय रुद्राय नमः। नमस्कार, सुप्रभात मित्रों, जय श्री राधे कृष्णा। मैं आचार्य राजेंद्र शास्त्री झांसी। आइए चर्चा करते हैं हम लोग आज के दौर में, इस कलिकाल में विशेष रूप से हर घर में किसी न किसी प्रकार की समस्या बनी रहती है, कलह की, कहीं दुख की, कष्ट की, रोग आदि की विशेष रूप से, या धन की, तो उसके लिए क्या अचूक उपाय है। तंत्र प्रक्रिया के माध्यम से यदि आपके साथ इस प्रकार की कोई भी समस्या है तो आपको चाहिए कि एक कलावा का धागा लेकर के और उसमें 7 गांठ बांध करके श्री हनुमान जी के चरणों में बैठ के, हनुमान मंदिर के सामने बैठ करके 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। 7 गांठ लगा करके उस कलावा के धागे को श्री हनुमान जी के चरणों में ही रख दें। पाठ के बाद में भगवान श्री हनुमान जी के चरणों का सिंदूर उन 7 गांठों में लगाएं। तत्पश्चात उसको उठा करके श्री हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद में और परिक्रमा दे के आप पुनः अपने घर पर आएं। आकर के आप अपनी तिजोरी, गुल्लक या मंदिर में ऐसी जगह उस धागे को रखें तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या है, रोग आदि, दोष आदि, भूतादि, प्रेतादि आदि की, या रात में उल्टे सीधे स्वप्न आते हैं संसार के नाना प्रकार के, तो वह सभी प्रकार के स्वप्न आदि में आपको लाभ प्राप्त होगा, समस्याएं आपकी खत्म होंगी। श्री हनुमान जी का इस कलिकाल में पूर्ण रूप का प्रभाव है, क्योंकि लिखा है नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय मां पीतांबरा, जय मां विंध्यवासिनी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।